क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ लिब्रा लिमिटेड आज आट 31 मार्च करेंट ईयर एंड 31 मार्च लास्ट ईयर। तो आपके बैलेंस शीट दे रखा है तो लिख दो इन द बुक्स ऑफ लिब्रा लिमिटेड, और क्या बनाना है लास्ट में दे रखा है। तो फर्स्ट में दे रखा है कि आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ लिब्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डैश डैश, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट दोनों में रूपी फॉरवर्डियन का सिंबल लगाओ, डिटेल्स और अमाउंट कॉलम में। सबसे पहले ए पार्ट में निकालो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखा है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन खंगाल लिया, कहीं पे जनरल रिजर्व ये दिस टैक्स डिविडेंड है नहीं, अप्रोप्रिएशन है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं, तो जो सरप्लस है 3 लाख से 4 लाख हो रहा है नोट्स टू अकाउंट्स में, तो 1 लाख आपका सीधा लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि अप्रोप्रिएशन नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख। आर डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, करेंट एसेट घटेगा तो पैसा हमारे पास आया हमने बेच डाला ऑपरेटिंग इनफ्लो, और करेंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तभी भी पैसा आया, फॉर गेटिंग थिंग्स फ्रॉम करेंट एसेट्स ए करेंट लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो दोनों में ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग इनफ्लो और रिवर्स माइनस। तो इसमें फर्स्ट है इन्वेंटरीज, आप देखो इन्वेंटरीज आपके 82 से 76 हो गया तो 6000 घट गया। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये इसी के नीचे है इन्वेंटरी का, 92 से 38 हो गया तो 54 हमारा डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो दोनों 60000 1 लाख से माइनस करो 40000 आएगा बैलेंस, ये ऐड करो तो 1 लाख प्लस 60000 1 लाख 60000 प्लस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। तो इसी के नीचे आएगा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल इज बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल्स में क्या होगा ना 48000 बिकेम 40000, ट्रेड पेबल पेबल्स 48 बिकेम 40, दैट इज ट्रेड पेबल्स में 8000 हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी माइनस होगा 8000, 1 लाख 60 से 8 माइनस करेंगे तो 1 लाख 52000 आएगा फाइनल कॉलम में। दिस इज ए पार्ट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस पैसा आया। देन बी पार्ट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा, फिक्स्ड एसेट एंड टेंजिबल एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट 5 लाख 60 से 8 लाख 50 हो गया तो हमने खरीदा फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट परचेज्ड 2 लाख 90 थाउजेंड द डिफरेंस, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख 60 से 2 लाख 32 हो गया तो 72000 का हमने खरीद लिया, इसको भी खरीदा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड 72000, ये नॉन करेंट एसेट्स के नीचे होता है, और करेंट इन्वेस्टमेंट्स जो रेखा है करेंट एसेट के नीचे वो कैश इक्विवेलेंट में ऐड होगा, तो 2 लाख 90 माइनस में है और माइनस 70 तो आउटफ्लो हो गया हमारा 362, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज गया खरीद खरीद के 3 लाख 62 थाउजेंड हो गया। इसके बाद हम देंगे फाइनेंस, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर दो है, एक तो आपके है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दे रखा है 6 लाख से 8 लाख हो गया, इसका मतलब है हमने शेयर इश्यू कर दिया। शेयर कैपिटल के अंदर दो चीजें हो सकता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और कुछ बताया नहीं तो इट इज यूजुअली इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 2 लाख या सिंपली शेयर कैपिटल इशूड, इक्विटी लिखना आई थिंक ठीक नहीं होगा क्योंकि उन्होंने खाली शेयर कैपिटल दे रखे हैं, तो आप दोनों कर सकते हो। इसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
तो ये बैलेंस शीट का थर्ड आइटम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 1,50,000 से 1 लाख हुआ, तो इसका मतलब है हमने रिपेमेंट कर रखे हैं। 1,50,000 से 1 लाख, तो 50,000 हमने रिपेमेंट कर लिया, माइनस कर दो। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पेड बैक 50,000। तो 2 लाख लिया, 50,000 दिया, हमारा फाइनेंसिंग हो गया 1.5 लाख। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,50,000। तो ए बी सी तीनों में हम ऐड लेस करके हमारे पास आएगा ए माइनस बी प्लस सी, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट -60,000। पैसा गया, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट -60, पैसा गया। तो हमारा फाइनली डिक्रीज हो गया ना, ए माइनस बी प्लस सी, बी माइनस में आया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, सी प्लस में आया क्योंकि कैश इनफ्लो हो रहा है, पैसे हमें मिल रहा है। तो ए से बी को माइनस करा, सी ऐड करा 1.5 लाख, तो हमारा माइनस आंसर आया। तो माइनस मतलब डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट -60,000। इसके साथ हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 70,000 दे रखा है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर इज ओपनिंग एंड दिस ईयर इज क्लोजिंग, और करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का 1,34,000, तो 2,04,000 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, कैसे ना, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट तो इंक्लूड होएगा ही, 70,000 ओपनिंग था, 1,34,000 ऐड कर दिया, इट इज 2,04,000। तो 2,04,000 से 60,000 माइनस करोगे तो 1,44,000 आएगा। दिस इज 1,44,000 आएगा, दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करेंट इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको अभी हम देखेंगे। 94,000 था क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और करेंट इन्वेस्टमेंट था 50,000। तो 94 + 50 इज इक्वल टू 1,44,000, जो कि आपके टैली हो रहा है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।